विटामिन D3 आपके लिए क्यों जरूरी होता है? आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर आजकल जब भी कोई छोटी मोटी आप कंप्लेन लेके जाते हैं या कहते हैं कि नहीं मैं थका हूँ, बॉडी एक है, चिंता रहती है, तो आपको विटामिन D3 प्रिस्क्राइब कर देता है। देखिए, उसके बड़े कारण यह है कि एक तो हम शहरों में रहने वाले लोग जो बंद घरों में, बंद ऑफिस में, एसी कार में चलते हैं जहाँ पे हमें धूप नहीं मिलती, उन सबको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। आप कोई भी शहर में रहने वाला इंसान अगर विटामिन D3 का टेस्ट कराएगा, 95% लोगों में विटामिन D3 का लेवल कम आएगा। उसका बड़ा कारण यही है कि हमें सनलाइट का, सन रेज का एक्सपोजर नहीं होता है, क्योंकि विटामिन D3 का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नेचर ने हमें दिया है, सूरज। जब सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ती है तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं आपकी स्किन के अंदर और आपको विटामिन D3 की भरपूर मात्रा मिलती है। अब बात करते हैं कि विटामिन D3 उतना जरूरी क्यों है। एक्चुअल में विटामिन D3 की जरूरत सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए नहीं होती है, या सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाए, और भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो विटामिन डी के बिना काम नहीं कर सकते और जिनको ठीक से चलाने के लिए, ठीक से काम करने के लिए विटामिन D3 जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात जो बहुत कॉमन होती है कि भाई हड्डी मजबूत होती है, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आपके जोड़ों के ऊपर जो कार्टिलेज है या जो आपकी हड्डियां हैं, अगर उनको हेल्दी रखना है तो आपको विटामिन D3 लेना पड़ेगा। उसका बड़ा कारण ये होता है कि आप जब कैल्शियम खाते हैं, आप कितना भी कैल्शियम खा ले, आप कितना भी दूध पी ले, आप कितनी भी प्रचुर मात्रा में आप कैल्शियम की टैबलेट ले लें, लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन D3 की मात्रा कम है तो वो कैल्शियम आपके खून में आंतों से अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब अगर विटामिन D3 की कमी के कारण कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए विटामिन D3 जरूरी हो जाता है उस कैल्शियम को अब्जॉर्ब करा के आपके खून में और वहां से हड्डियों तक या जहां उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने के लिए। तो पहली तो ये जरूरत है कि आप जो कैल्शियम खाते हैं उसको अब्जॉर्ब कराने के लिए आपकी बॉडी में, शरीर में विटामिन D3 लेना जरूरी होता है। विटामिन D3 आपकी आंतों में कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में ले जाता है और वहां से आपको हड्डियों तक उसको पहुंचा देता है। फिर वहां पे हड्डी आपकी डेंस हो जाती है क्योंकि आपका कैल्शियम वहां पे जमा होने लगता है। लेकिन अगर विटामिन D3 ही नहीं होगा तो वो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, जिससे आपकी हड्डियां, दांत और ये सारी चीजें कमजोर होंगी, कार्टिलेज भी आपकी हेल्दी नहीं रहेगी। इसलिए जोड़ों के दर्द में भी डॉक्टर विटामिन D3 लेने की सलाह देते हैं। उसके अलावा जो आपका किडनी फंक्शन है वो विटामिन D3 से रेगुलेट होता है। अगर आपका विटामिन D3 का लेवल कम है तो आपको किडनी की, गुर्दे की बीमारियां होने का या किडनी जल्दी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर विटामिन D3 आपके शरीर में अच्छी मात्रा में है, जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में है, तो आपकी किडनी हेल्थी रहते हैं। उसके अलावा विटामिन D3 आपके लीवर के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे हार्मोन्स में इसका रोल प्ले होता है उनको बनाने में या उनको हेल्दी बना के रखने में। छोटे बच्चों की ग्रोथ के समय तो विटामिन D3 लेना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उनमें भी बोन ग्रो कर रही होती है। कार्डियक हेल्थ के लिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए भी विटामिन D3 जरूरी होता है। तो इसलिए आप विटामिन D3 जरूर लें और एक बार अपना विटामिन D3 का लेवल चेक करा के देख लें कि अगर आपका विटामिन D3 का लेवल कम है तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर लें। उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के कई तरीके हैं। एक तो नेचुरल तरीका है कि आप धूप में जाएं, सन एक्सपोज करें पूरी बॉडी को, सन बाथ लें। लेकिन इससे बहुत जल्दी नहीं होगा क्योंकि आप उतने ज्यादा अगर डेफिशिएंट हैं तो आपको उस कमी को इमीडिएट पूरा करने के लिए कुछ विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं विटामिन D3 के, कुछ टैबलेट आते हैं, कुछ कैप्सूल आते हैं, कुछ पाउचेस भी आते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। जो एक मेंटेनेंस डोज होती है वो ये माना जाता है कि विटामिन D3 का एक कैप्सूल आप हफ्ते में एक दिन 6 हफ्ते लगातार लें। ज्यादा लेने से भी नुकसान होगा, हाइपर विटामिनोसिस होगा तो उसके भी नुकसान होते हैं। इसलिए आप 6 हफ्ते लें, फिर छोड़ दें और फिर बाद में शुरू कर लें अपना टेस्ट कराने के बाद। जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होती है उनके लिए सलाह दी जाती है कि इंट्रामस्कुलर एक डीप IM इंजेक्शन लगा दिया जाता है विटामिन D3 का, जिससे आपको विटामिन D3 एकदम से पूरा हो जाता है और फिर आप मेंटेनेंस डोज ये कैप्सूल या टैबलेट की ले सकते हैं। लेकिन ये आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लें, अपने आप से ना लें। पहले विटामिन D3 का टेस्ट कराएं, उसके बाद ही डोज लें, फिर आपको कैल्शियम की भरपूर मात्रा भी आपकी हड्डियों की तरफ जाएगी और बाकी जो बीमारियों के खतरे हैं वो भी बचे रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वाकई आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो एक लाइक जरूर बनता है और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ, सो दैट इस टॉपिक का या इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।